ताजू भी देखिए, तीन सम्मन के बाद इंटरनेशनल ला पे है कि तीन सम्मन के बाद अरेस्टिंग हो जाती है, लोगों के वो सीज हो जाती है, तीन सम्मन के पहले लोग चले जाते हैं, पांच सम्मन पे नहीं गए। इनको नहीं जाना था, इसीलिए इन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया। तीसरे में इन्होंने बहाना बनाया, चौथे में और फिर इन्होंने कह दिया कि मैं वहाँ जाना हूँ विपस्सना के लिए, ये बहाना बना दिया। अब ये चौथे में इन्होंने बताया कि मुझे 2024 के इलेक्शन के लिए ये रोक रहे हैं, अब ये दूसरा बहाना बना रहे हैं गैरकानूनी, और इस पर गए नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि ईडी के पांचवें समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं, और इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा इस समन को गैर कानूनी बताया जा रहा है, तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेर रही है और कह रही है कि अब बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब तिहाड़ जेल की जाने की करो तैयारी। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी का तो ये भी कहना है कि जैसा हेमंत सोरेन का हाल हुआ, कुछ ऐसा ही अब अरविंद केजरीवाल का भी हाल देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में इस मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पांचवें समन पर भी नहीं गए, ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन एक भी समन पर नहीं जा रहे हैं, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कपिल मिश्रा जो कहा, ये चोर हैं और इनकी चोरी की आदत, चोर जो है वो छिपता है, भागता है। दूसरी बात, ये गलत है, इन्होंने ही पहले रामलीला मैदान पे कहा था आपके, उसमें पता नहीं क्यों लोग सीबीआई के उस पर नहीं जाते, ईडी के उसमें। अगर डर नहीं है तो जाएं, और जाना चाहिए, सीबीआई को पकड़ लेना चाहिए, उनको घसीटते हुए ले जाना चाहिए, तब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा बोलते थे आज। और उस समय लोकपाल का आज कुछ, आज ये खुद पोजीशन है, इतने भ्रष्टाचारी हो गए, इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया, जल बोर्ड में, शराब घोटाले में, सब जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और ईडी क्या नहीं जा रहे, ताजू भी देखिए, तीन सम्मन के बाद इंटरनेशनल ला पे है कि तीन सम्मन के बाद अरेस्टिंग हो जाती है, लोगों के वो सीज हो जाती है, तीन सम्मन के पहले लोग चले जाते, पांच सम्मन पे नहीं गए। इनको नहीं जाना था, इसीलिए इन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया। दूसरी आपको बताना है कि इनको क्या है, इनको लोग बहुत टॉप के लोग गाइड करते हैं, अब बहुत चुने हुए सर, इन्होंने एक शब्द कहा है कि बैलेट पेपर चुरा लिए इनके मतपत्र। देखिए, जितने बैलेट पेपर थे 35 थे, जिस समय वोटिंग हुई है काउंटिंग में भी 35 ही निकले, जब बॉक्स खोला गया उसमें 35 निकले, काउंटिंग में 35 निकले, बाद में जब उनको स्ट्रांग रूम में रखा गया है तो भी 35 थे। अब इनका चोरी वाली बात है तो कहाँ से, चोरों को सार नज़र आते हैं चोर, तो इन्होंने जो शब्द ये कहे हैं कि ये जो है चोरी कर लिए मतपत्र, ये भी गलत। ये इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका ये एक्चुअली में हार गए 2021 में, आपको बता रहे हैं, इनके जो मेयर थे, मेयर के चुनाव पे इनके सदस्य और कांग्रेस के सदस्य मिलाकर के मज़े के थे, लगभग टोटल जो इन लोगों के सदस्य थे लगभग 24-25 सदस्य थे इनके कांग्रेस के। जब मतदान हुआ तो आप पार्टी के कुछ सदस्य उस समय बाइकआउट कर गए थे, उस समय कर गए थे मेयर में 2021 में। तो ये जिस टॉपिक को ले रहे हैं कि मैं मेयर के उससे कर रहा हूँ, पंजाब और हरियाणा से इन्होंने जो लोग बनाए, वो भी बात इनकी गलत निकली। हकीकत ये है कि ये ईडी की जांच में नहीं जाना चाहते हैं, ये अपने को बचाना चाहते हैं, इनको ना मेयर से मतलब ना मान से मतलब है, ये नहीं चाहते कि मान की गवर्नमेंट रहे या किसी की रहे, ये लोग सिर्फ हमारी चाटुकारिता करते रहें, सब जेल चले जाएँ। हकीकत ये, इन्होंने धीरे से मनीष सिसोदिया को भिजवा दिया, जैन को भिजवा दिया, संजय सिंह को भिजवा दिया, और लोगों को भिजवा देंगे, और ये अपने लिए, ताकि आज सम्मन में ना जाना पड़े। इस कारण आज ये जब आए हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा, कुदरत भी जो झाड़ू लगाती है और ऊपर वाला आता है, इसके पहले जब आए तो बोले मैं आ गया हूँ आ गया हूँ, उसके बाद इन्होंने भाषण में क्या कहा, ऊपर वाला आता है, ये ऊपर वाला, ये अपने आप को ऊपर वाला बांध रहे हैं, इनको इतना अपने आप में गरूर हो गया, जैसे रावण था, रावण 10 मुंह लगाया था, सबसे बड़ा विद्वान बनता था और सबसे ज़्यादा करता था, उसका एक बुद्धि कहे की थी जो बीच में थी, नहीं भाई हम कह सकते हैं,
परंतु आपको बता रहे खुद अपने को विद्वान, वहीं पे दूसरे लोग विद्यावान है। विद्यावान और विद्वान में अंतर है। आज इन्होंने ये भी कहा कि हमें ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। अरे भाई, गिरफ्तार का जब तुम नहीं जाओगे तो एक दिन गिरफ्तार होगे, वो दिन दूर नहीं है। आज इनकी गिरफ्तारी का हो जाता, परंतु इसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। अब देखिए, ईडी के पाँचवें सम्मन के बाद ये नहीं गए, और ये इसको क्या बोल रहे हैं, गैर कानूनी है। इसके पहले चौथे सम्मन में यही किया, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, पहले सम्मन में इन्होंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ झारखंड में और छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, उसके लिए मैं जा रहा हूँ और मुझे पांच राज्यों के चुनाव में। दूसरे में भी इन्होंने यही बहाना बना दिया कि मुझे इलेक्शन का पूरा वो देखना है। तीसरे में इन्होंने बहाना बनाया, चौथे में, और फिर इन्होंने कह दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ विपस्सना के लिए, ये बहाना बना दिया। अब ये चौथे में इन्होंने बताया कि मुझे 2024 के इलेक्शन के लिए ये रोक रहे हैं। अब ये दूसरा बहाना बना रहे हैं गैर कानूनी, और इस पे गए नहीं। हकीकत ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वहाँ नहीं जाना चाहते, चूँकि ये जानते हैं उसमें फंस चुके हैं। इनके खिलाफ काफ़ी सबूत मिल गए हैं, लोगों ने गवाहियाँ दी हैं, मास्टर इसके जो था वो यही हैं, और किंग पिन यही है, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो ये लोग जो बंद हुए हैं, इनको खुश करने के लिए, ताकि ये लोग कहीं बयान न दे दें, इसलिए इन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य भेज दिया। सिर्फ इस कारण कहीं स्वाति माहिवाल कहीं कहीं दावा करें तो उनको उन्होंने वो बना दिया, राज्यसभा सदस्य भेज दिया। एक योजनाबद्ध तरीके से सिर्फ अपने को बचा रहे हैं, क्योंकि किंग पिन ये है, ये ईडी की जांच से इसलिए बचना चाह रहे हैं। और इनका यही है कि लास्ट तक मैं बचा रहा हूँ। शिबू सोरेन का भी यही हुआ कि शिबू, अब आपको बता रहे हैं इनका नंबर है, और इसीलिए ये कांग्रेस के अभी नेताओं से मिले थे। अभी शिबू सोरेन जब दिल्ली आए थे तो इनके लोग और शिबू सोरेन को गाइड करने वाले इनके लोग थे। आज इनका जो धरना प्रदर्शन था, आपको बतला रहे हैं, धरना प्रदर्शन आप कार्यालय से जा कर के इनको बीजेपी कार्यालय तक जाना था। हकीकत है कि इनके बहुत कम लोग आए, बहुत कम लोग आए। अब गोपाल लाल जी कह रहे हैं कि हमको नज़रबंद कर लिया गया और लोगों को, जबकि नज़रबंद नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर है, इनके कुछ लोगों को जो हरियाणा के बॉर्डर से आ रहे थे और उनको ज़रूर रोका गया, चूँकि वो लोग सस्पेक्टेड लग रहे थे। एक एक गाड़ी में, मोटरसाइकिलों में तीन तीन लोग थे, कारों में ज़्यादा थे, तो उनको रोका गया। अब वेरिफिकेशन के बाद में उनको बॉर्डर से छोड़ दिया जाएगा जाने के लिए, और कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। हाँ, दो तीन उनके विधायक जो वहाँ पर कुछ स्थानों पे, कीर्ति नगर में, लक्ष्मी नगर में, वहाँ पर उपद्रव करने के उसमें थे, उनको थोड़ी देर के लिए रोका गया था। और इनका जो धरना आज फ्लॉप हुआ, बीजेपी कार्यालय तक कोई भी नहीं पहुँचा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी धरना भी कर रही है, उनका धरना भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ईडी को लेकर भी कहा कि हेमंत सोरेन की तरह अब अरविंद केजरीवाल का भी हाल होने वाला है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।